अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। माता टेकरी पर लाखों श्रद्धालु आते हैं, माता बहनें भी गरबा करती हैं, और ये मेरी माता बहनों से निवेदन है कि वो अपनी जो मर्यादा है उसमें रह कर गरबा करें, क्योंकि हम जब जाते हैं गरबा करने तो ये हम मातृशक्ति का गरबा है, ना कि हम किसी पुरुष के साथ आके गरबा करें। मेरा ये भी निवेदन होता है कि जो इवेंट बड़े बड़े इवेंट होते हैं वो लोग एक धंधा बना लिया है, एक तो उसकी एंट्री फीस भी होती है, उसके बाद सिर्फ उनको पैसे से मतलब होता है, ये समझ नहीं आता है कि कौन गैर समाज का भी बहनों के साथ जाके गरबा कर रहा है। उसके बाद इसी से हमारी जो आगे बहन के साथ जो गलत होता है वो इसी वजह से होता है, इसलिए मेरा निवेदन है मातृशक्ति से कि वो मर्यादा में रहकर गरबा करें और वस्त्र का विशेष ध्यान रखें। और गरबा पांडालों में जो गरबे होते हैं, जो वहाँ इवेंट करवाते हैं, वो संस्था के जो संस्थापक है उनसे भी निवेदन है कि वो ये विशेष ध्यान रखें कि कोई गैर हिंदू आकर वहाँ पर एंट्री ना करें। जय श्री राम। बबीता बैरागी। जो धर्म को लज्जित किया जाता है, और धर्म में मतलब ऐसा एक माँ बहन बेटियाँ जो भी अपने गर्भों पांडाल में जाती है और वस्त्र जो अशोभनीय वस्त्र पहन के जो जाती है, उन वस्त्रों को एक प्रतिबंधित करना, दूसरा कि उस जगह पर जहाँ पर ये इवेंट हो रहे हैं वहाँ पर जो इनकी वोटर आईडी कार्ड है या उनके सिर पे तिलक लगाना, इन सब चीज़ों को देख के ही उनको अंदर किया जाए। पूरे हिंदू समाज के लोग और जो अदर समाज अदर का वर्ग के जो लोग आते हैं, चाहे वो कोई सा भी हिंदू समाज को छोड़ के, अगर उनको उस जगह पर आना निषेध है, वर्जित है, उनको गैर हिंदू कोई भी नहीं आएगा। और जो वहाँ पर भजन की जगह गाने अश्लील गाने चलाए जाते हैं वहाँ पर भजन से ही गरबे कराए जाए, अन्यथा उनका जो अगर ऐसे स्थिति में पाया गया तो उस इवेंट को उस इवेंट के करने वाले को जो जिम्मेदारी रहेगी उसकी भरपाई उसी को करना पड़ेगी। और भविष्य में अगर ऐसा होता है तो प्रशासन से हम मांग करेंगे कि इनको एक समय निश्चित किया जाए जिस समय के अंदर ये बंद होकर इनका मतलब 12-1 जब भी इनका समय रहे उसको इस समय पे बंद किया जाए प्रशासन के माध्यम से। इसको लेकर क्या संस्था से भी चर्चा करेंगे आप? पूरा समाज हिंदू समाज इस साथ में खड़ा होकर इन सब चीज़ों पर पहल करने के लिए ही हम साथ में खड़े हैं। यहाँ पर कोई संस्था विशेष का कोई कार्यक्रम नहीं है, यहाँ पर पूरे हिंदू समाज को एक साथ खड़े रखकर ये कार्यक्रम कर मतलब हमारा जो मैसेज पहुँचाना है ये सभी इवेंट वालों तक पहुँचाना है का है। और साथ ही हम बताना चाहते हैं कि देवास में पूर्व में महाआरती हुआ करती थी, उस महाआरती को सर्व हिंदू समाज हम फिर से शुरू करने जा रहे हैं, उसकी दिनांक और सब समय तय करके हम आपको बता दें, समय तो हम बता देंगे और जगह तो वही रहेगी जहाँ रहती थी वो, और वो महाआरती फिर शुरू की जाएगी। जय श्री राम। ठीक है।